नमस्कार। आज बेक्ड वेजिटेबल पास्ता बनाएंगे। उसके लिए हमने गाजर लिए, उसके छोटे पीस किए हैं, फूल गोभी लिया है थोड़ा सा, और ब्रोकली, और ये आधा शिमला मिर्ची ली है हमने, आधी कटोरी हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं, मटर लिए आधी कटोरी, और पास्ता लिए आधा कटोरी। अब इसे हम दोनों चीज़ों को उबाल लेंगे। गाजर, फूल गोभी और ब्रोकली डाल देंगे इसमें, और उसे हाफ कुक करेंगे हम। इसे ढक देंगे। इधर हम पास्ता को उबालेंगे। अब ये हाफ कुक हो चुका है, इसमें हम मटर डाल देंगे, स्वीट कॉर्न डाल देंगे, और शिमला मिर्ची डाल देंगे। और इसे हल्का सा उबाल कर और गैस बंद कर देंगे और सारी सब्जियों को निकाल लेंगे। अब ये पास्ता उबल चुके हैं, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है। अब ये अच्छे से पक चुके हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। हमने बटर लिया है, अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे छोटे छोटे पीस करके। अगर आपको पसंद ना हो तो आप नहीं डालें। अब इसमें हमने 2 चम्मच मैदा डालकर इसे गूंज लेंगे। अब ये भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें हम 1 गिलास दूध, आप थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें, आप 1.5 गिलास भी दूध ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम सारी सब्जियां डाल देंगे। ये अच्छे से मैदा घुल चुकी है दूध में। पास्ता डाल देंगे। इसमें हम मसाला डालेंगे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और नमक। ये सब चीज आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब इसमें हम चीज़ डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हम मोर्ज़िला चीज़ डाल देंगे और इसे प्री हीट 180 पे करेंगे और 15 मिनट के लिए इसे हम तैयार होने के लिए रख देंगे। अभी अच्छे से बेक हो चुका है, बेक हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।